तत्काल भक्त का संचार होता है। इसलिए वृंदावन धाम के तरुओं में, लताओं में विशेष भक्ति के संचार करने की ताकत है। इसीलिए सब लताएं लगभग भूमि का स्पर्श करने को समुद्यत हैं, मानो भगवत पाद पंकज संस्पर्श भूमि को स्पर्श करने के लिए स्प्रहयालु हो रहे हैं। ये सब उनकी विशेषता है। तो इसलिए ये भी जो वृंदावन धाम के तरुलता हैं, ये सब विशिष्ट और आम तौर पर भी कहीं एक 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 नाथी रामायण है, एक नाथी रामायण, एक नाथ जी का, महाराष्ट्र के बड़े संत हुए थे एक नाथ जी, उनका भाव रामायण है, भाव रामायण। तो भाव रामायण में उन्होंने एक प्रसंग कहा है, जिस समय भगवती जो है सो भगवती सती रामचंद्र भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई। ये समझ लेना कि ये सब लीला है, सती को मोह नहीं हो सकता, सती भी अनंत ब्रह्मांड जननी भगवती हैं साक्षात, लेकिन वो जैसे एक दूसरे का उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए अपना अपकर्ष दिखाता, कि देवताओं में स्वभाव है कि दूसरों का बड़प्पन दिखाने के लिए अपना अपकर्ष दिखाते हैं। तो इस तरह से विष्णु का उत्कर्ष दिखाने के लिए शिव कहीं अपना अपकर्ष दिखाते हैं, कहीं शिव का उत्कर्ष दिखाने के लिए विष्णु अपना अपकर्ष दिखाते हैं। ये सब लीलाया, जैसे देवता परस्पर प्रकृति, परस्पर आत्मा, ये परस्पर एक दूसरे के आत्मा है, परस्पर एक दूसरे के प्रकृति है, परस्पर एक दूसरे की स्तुति करते हैं, परस्पर एक दूसरे के बंदे होते हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी ने एक वंदना किया है, बंदे परस्परात्मानव परस्पर नृत्य प्रिय माधवो माधवाधीशव, अस्तु इतने से मतलब छोड़ो। और तो ये दोनों परस्पर के आत्मा है, माधव और उमाधव, माने लक्ष्मीपति और उमापति, लक्ष्मीपति और उमापति दोनों परस्पर आत्मा नौ, एक दूसरे के आत्मा, और परस्पर नुत प्रिय, दूसरे को नमस्कार करो तो दूसरा वर देने को तैयार है, दूसरे को नमस्कार करो तो दूसरा वरदान देने को तैयार है। शंकर को प्रणाम करो तो विष्णु सब कुछ देने को तैयार, विष्णु को प्रणाम करो तो शिवजी सर्वस्व लुटाने को तैयार। इस प्रकार से ये परस्पर आत्मा है, तो इस तरह से एक दूसरे का उत्कर्ष दिखाते हैं। इसी दृष्टि से सती ने भगवान का उत्कर्ष दिखाने के लिए वो मोह का एक नाट्य रचा, मोह का एक नाट्य रचा, और उनको संदेह हो गया कि ये राम है कि नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा है कि नहीं है। शिव ने कहा जाकर देख लो भाई, परीक्षा ले लो। चल पड़ी, सोचा यही कि ये अपना जनक नंदिनी जानकी भगवती सीता के विरह जन तीव्र ताप में संतप्त होकर पागल होकर भटक रहे हैं, तो इसलिए अगर सीता बन जाऊंगी तो ये इनका पता लग जाएगा मोह में है कि सावधान है। तो सीता बनकर एक रास्ता में खड़ी हो गई, तो भगवान तो सदा सावधान, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, तथा माँ प्रणाम। भगवान भूत भावन कहाँ, आप अकेली कैसे आप अकेली कैसे, भूत भावन भगवान कहाँ, आप अकेली कैसे हैं, पूजा बहुर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले पर परो के हेतु। ये हुआ, अब क्या करें, तो जान गए सब, समझ लिया आप क्या करें। तो फिर भी भगवान ने अपना कुछ रूप दिखाया भगवती सती को, उन्होंने चारों ओर देखा, भगवान है भगवान, और वही सब विष्णु रूप, राम रूप, और सीता को भी देखा, सब कुछ देखा। सीता तो सदा इनके साथ है, कभी इनसे विप्रयुक्त नहीं हुई, चंद्रिका चंद्रमा से कभी वियुक्त होती नहीं, प्रभा भान से कभी पृथक होती नहीं, शीतलता मधुरता पवित्रता कभी गंगा जल से जुदा होती नहीं, माधुर्याधिष्ठात्री महाशक्ति कभी आनंद सुधा सिंधु से पृथक होती नहीं, सीता भगवती कहां राम से पृथक होने वाली, तो साथ ही है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ दृश्य देखा। अंत में सती ने पूछा, महाराज तो सब ठीक है, आपका ये रूप तो ठीक है, दिखाई दिया, परंतु आपका ये लीला क्या, ये नाट्य क्या, इसका क्या अर्थ, ये जो आप पागलों की तरह कहीं इस लता का आलिंगन करते हैं, कहीं इस वृक्ष का आलिंगन करते हैं, कहीं इस क्या नाम शिला पर लेट जाते हैं, कहीं इस पाषाण का चुम्बन करते हैं,
ये सब क्या मामला है, इतने सावधान है आप, ये क्या? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो ज्ञान सिंधु भगवान भूत भावन विश्वनाथ से ही कभी पूछना, वही सब कुछ बतलाएंगे, इसके इसके परम रहस्य वही हैं। पर संक्षिप्त सार यही है कि हम असावधान नहीं हैं, ये लीला तो उनके लिए है जो बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र अमर आत्मा परमहंस लोग बड़े ऊंचे ऊंचे पदों को तोड़ करके हमारे मिलने के लिए दंडक वन में ये कोई लता बने हैं, कोई वृक्ष बने हैं, कोई पाषाण बने हैं। इनसे मिले कैसे? इनसे मिलने का ये ब्याज है। सीधे राम किसी वृक्ष का आलिंगन करने लगे तो क्या होगा? किसी वृक्ष का आलिंगन करने लगे, किसी लता का आलिंगन करने लगे, किसी शिला का आलिंगन करने लगे, किसी पत्र का चुम्बन करने लगे, तो यो कैसे लोग क्या कहेंगे? लेकिन ना करें तो भी नहीं बनता, क्योंकि ये तो सब इसीलिए आए हैं। कोई कोई आया है ब्रह्मलोक धाम से, कोई शिवलोक धाम से, कोई वैकुंठ लोक धाम से आया है, वो आकर के दंडक वन में कोई वृक्ष बना है, कोई लता बना है, कोई शिला बना है, कोई हिरण बना है, कोई पशु पक्षी बना है, इसलिए कि दंडक वन में भगवान रामचंद्र राघवेंद्र पधारेंगे, वहां उनके पादार बिंद का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा, वहां उनके श्रीअंग का लोकोत्तर सौगंध्यामृत का रसास्वादन हो जाएगा, वहां उनके श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। इन सब आशाओं से कई लोग ब्रह्मलोक छोड़कर आए हैं, कई शिवलोक छोड़कर आए हैं, कई वैकुंठ लोक छोड़कर आए हैं, बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र अमरात्मा परमहंस, कोई वृक्ष बना है, कोई लता बने हैं, कोई गुल्म बने हैं, तो उनके सबके मिलने का ये ब्याज, इसी उन्माद के ब्याज से, सीता विरह जन तीव्र ताप उन्माद के ब्याज से, ये सब उन अपने प्रेमियों से हम मिल रहे हैं और कुछ बात। इन सब दृष्टियों से सहज में समझना चाहिए कि जिन जिन वस्तुओं को भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है वो कोई सामान्य वस्तु नहीं। परस राम पद पदम परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। राम पद पद्म पराग को स्पर्श करके धरित्री अपना धन्य धन्य भाग्य मानती है। इसी प्रकार से जितने तरगुल्म लता जड़ चेतनात्मक जो भी पदार्थ हैं, सब भगवान का स्पर्श करके अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं, कृतकृत्य मानते हैं। तो इसी तरह से वृंदावन धाम के भी जो भी तरु हैं, लता हैं, गुल्म हैं, अथवा हिरण हैं, पशु पक्षी हैं, अथवा अनेक प्रकार के ये कुमुद कुमुदिनी आदि हैं, ये सब विशिष्ट लोग हैं। तो इन सब का भी ब्रजिन जो जन्म जन्मांतरों के क्लांति, इनका क्या ब्रजिन है? ब्रजिन माने क्लांति, भगवत बिछोह की क्लांति, भगवान के विरह से जो क्लांति है, संताप है, ग्लानि है, वही ब्रजिन है। उसी ब्रजिन को निरसन करने वाली ये आपकी व्यक्ति, ब्रज बनौ कसाम व्यक्ति रंगते ब्रजिन हंत्रलम, उनके ब्रजनों को हनन करने वाली। और ब्रजवासी जो हैं, ब्रजवासी चाहे ब्रज के गाय, चाहे ब्रज के बछड़े, चाहे ब्रज के गोपाल, चाहे ब्रज के वो छोटे छोटे साथी ग्वाल, इन सब के ब्रजन को हरण करने वाली, माने उनको सबको, गायों को कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ, कृष्ण भगवान अपने आप ही बछड़े बन गए, उन गायों के लड़के बन गए कृष्ण, नंदरानी के लड़के तो बने ही जन्म जन्मांतरों के सौभाग्य से, पर ब्रज के गायों के लड़के भी बन गए। गायों को अपने बछड़ों के सूंघने में, चाटने में, स्पर्श में जो स्वाद आता था, ओहो, जिस समय कृष्ण भगवान ही बछड़े बन गए, तो कृष्ण भगवान भी उनके दूध पीने लग गए, कृष्ण भगवान को बछड़े रूप में प्रकट कृष्ण को सूंघने लग गई, कृष्ण को चाटने लग गई, कृष्ण को प्यार करने लग गई, कृष्ण का स्पर्श करने लग गई। कितनी धन्य धन्य हो गई ब्रजधाम की गायें, ब्रजधाम के बछड़े, ब्रजधाम के जितने ग्वाल बाल साथ कृष्ण के खेल रहे हैं,
सात कृष्ण से लड़ रहे हैं, सात कृष्ण पर धूलि धप्पड़ फेंक रहे हैं और अनेक प्रकार के खेलें हो रही हैं। उवाह भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजितः, खेल होई, जो 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 जीत जाए वो घोड़ा बने, जो वो जो जीत जाए वो सवार बने, जो हार जाए वो घोड़ा बने। चलो भाई, खेल होते होते कई बार बेचारा श्री रामा हारा, घोड़ा बना और कृष्ण उस पर सवार हुए। तो खेल ही तो है, खेलते 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 कृष्ण हार गए, कृष्ण भी हार गए। कृष्ण हार गए तो कहता बनो घोड़ा, हम चढ़ेंगे तुम। पकड़ता है कृष्ण को, बनो घोड़ा। कृष्ण घोड़ा बनते हैं। उबाह भगवान कृष्ण श्री रामानम पराजितः, होकर भगवान कृष्ण घोड़ा बनकर श्री रामा को अपने कंधे पर चढ़ाकर चलते भांडीर भट्ट तक चले। ये सब जो लोकोत्तर सौभाग्य प्राप्त है, ब्रज बनऊ कसाम व्यक्ति रंगते ब्रजन हन तिलम, कितना इन लोगों का ब्रजन हनन हुआ। किंतु श्याम सुंदर, दुर्भाग्य से दिया तले अंधेरा, सबको सुख मिला, सबके ब्रजन का निरसन हुआ, सबका अमंगल नष्ट हुआ, सबको मंगल प्राप्ति हुई। किंतु हम जो आपकी प्रेयसी, आपके लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाली, हमारा ब्रजन नाश नहीं हुआ, हमारा मंगल नहीं हुआ। हम ज्यों की त्यों संतप्त रहीं, हम ज्यों की त्यों आपके विप्रयोग जन तीव्रताप में संतप्त रहीं। इसलिए श्याम सुंदर, ये अनुचित। भगवान कहते हैं, सखी ब्रज बनऊ कसाम व्यक्ति रंगते ब्रजन हन त्रिलम, कह रही हो ब्रज बन में रहने वाले सब लोगों के ब्रजन का निरसन हुआ, तो उसी में तो तुम भी हो। ब्रजवासियों में, वनवासियों में ही तुम भी हो। तुम्हारा ब्रजन क्यों नहीं नष्ट हुआ? तुम्हारा अमंगल क्यों नहीं दूर हुआ? हुआ ही सबका। गोवर्धन उद्धारण किया तो जैसे सब ब्रज का कष्ट दूर हुआ, वैसे तुम्हारा भी कष्ट दूर हुआ। इंद्रकृत जो प्रवर्षण था, भीषण प्रवर्षण, अशनपात, उपलवर्षण आदि आदि जो उपद्रव इंद्र के द्वारा हुआ, इस दुख का निवारण जैसे सब ब्रजवासियों का हुआ, तो तुम्हारा भी हुआ। केसी का, पूतना का, बकासुर का और भिन्न भिन्न ढंग के उपद्रव, इन सब की निवृत्ति से जो जैसे सब ब्रजवासियों वनवासियों को सुख हुआ, वैसे तुमको भी सुख हुआ। तो और कौन सी बात बाकी रही तुम्हारी? जब हमारे प्राकट से ब्रजवासियों को वनवासियों को आनंद हुआ, दुख दूर हुआ, तो उन्हीं ब्रजवासियों वनवासियों में तुम भी हो, तुम्हारा भी दुख दूर हुआ। इंद्रकृत उपद्रव दूर हुआ, अघासुर बकासुर आदि द्वारा होने वाले उपद्रव दूर हुए, पूतना आदि द्वारा होने वाले उपद्रव दूर हुए, जितना ब्रजन हनन दूसरे लोगों को हुआ, जितना अमंगल निवृत्ति मांगल्य प्राप्ति दूसरों को हुई, वही सब की सब तुमको भी हुई। कौन सी विशेषता तुम में है और तुम क्या चाहती हो? कौन सी बात है? इस बात को सूचन करने के लिए त्वत्स्पृहात्मनाम, ये हमें विशेषता, त्वत्स्पृहात्मनाम, त्वयी प्रिहावान आत्मा यस्य यासाम तासाम त्वत्स्पृहात्मनाम। यही विशेषता है कि आपके बिना क्षण भर भी विश्राम न होना, यही विशेषता। और लोगों को भगवान का क्षणिक विप्रयोग असह्य नहीं होता। क्षणिक विप्रयोग, क्षण भर का जो वियोग है, भगवत वियोग, वो दूसरे लोगों को असह्य नहीं, पर गोपांगनाओं के लिए वो क्षणिक वियोग भी असह्य है। यही विशेषता है। गोपी नाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणं युग शतमेव जासांजन बिना भवत, क्षणं युग शतमेव, एक क्षण भी सौ युग के तुल्य बीत रहा।
कृष्ण के वियोग में गोपांगनाओं को एक क्षण भी सौ युग के तुल्य बीतता है। तो जिसका जो रोग है, जिसका जो ब्रजन है, उसकी निवृत्ति ही उसकी ब्रजन निवृत्ति, अर्थात बाह्य ब्रजन न होने पर भी, बाह्य दुख न होने पर भी, कंस और पूतना और अघासुर और बकासुर का कष्ट न होने पर भी, दवान दवाग्नि का संताप न होने पर भी, यानी बहिरंग कष्ट कुछ न होने पर भी, जिसका जो दुख है उस दुख की निवृत्ति उसका ब्रजन हनन है। तो त्वत् स्पृहात्मनम, त्वत् आपकी स्पृहा में ही, आपकी स्पृहा में ही जिसकी आत्मा है, उसको तो आपकी प्राप्ति के बिना, निरंतर नित्य प्राप्ति के बिना, नित्य प्राप्ति के बिना, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन की नित्य प्राप्ति के बिना इनको विश्राम नहीं। इसलिए कृष्णचंद्र परमानंद कन्द मदन मोहन की नित्य प्राप्ति जब तक नहीं है, तब तक हमारे ब्रजनों का हनन नहीं हुआ, हमारे अमांगल्य का निवारण नहीं हुआ। श्याम सुंदर देखो तो एव प्रिया आत्मा प्राणाश्च यासाम तासाम त्वत् स्पृहात्मनाम, ऐसा लगाओ, त्वयि स्पृहा त्वयि आत्मा, और आत्मानः करो बहुवचन लो, बहु आत्मानः करो तो सब आत्मा, अंतकरण रूप आत्मा भी आ गया, अहमर्थ रूप आत्मा भी आ गया, शुद्ध आत्मा भी आ गया, प्राण आत्मा भी आ गया, तो त्वयि एव स्पृहा आत्मानश्च, अर्थात अंतकरणम अहमर्थः प्राणः शुद्धात्मा च यासाम, ये सब अर्थ है। आप ही में स्पृहा है जिसकी, दुनिया में किसी में स्पृहा नहीं, संसार से साथ से मन हट गया है, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, अपवर्ग नहीं चाहिए, सदगति नहीं चाहिए, संसार की सुख शांति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो ये स्पृहा, तो ये आत्मा अंतकरणम, तो ये आत्मा अहमर्थः, तो ये आत्मा प्राणः, तो ये आत्मा शुद्धात्मा यासाम तासाम तत्स्पृहात्मनाम। अब बोलो श्याम सुंदर, कोई प्राण वियुक्त होता है तो कितना दुखी होता, कोई प्राण वियुक्त होता है, प्राण क्या है, आत्मा में अध्यस्त है, तो आत्मा में अध्यस्त है प्राण, तो अध्यस्त प्राण के विप्रयोग में प्राणी विकल हो जाता है और एक भीषण दयनीय दशा को प्राप्त हो जाता है। फिर साक्षात आत्मा का ही वियोग जिससे हो, आत्मा का ही वियोग जिसको हो, अरे ऐसा न कहना कि निरर्थक कल्पना करो, शास्त्रों में आया भागवत में, संशंतु कृष्ण पदबीम रहितात्मनान्नः, धनहीना नाम ऊपर दया भवती, धनहीना नाम ऊपर दया भवती, सुखहीना नाम ऊपर कृपा भवती, और देहहीना नाम प्राणहीना नाम, अरे आत्महीना नाम रहितात्मनाम, केचित धन रहिताः, केचित सुहृद रहिताः, सुहृद रहिताः, केचन पुत्र रहिताः, केचन काश्चन पति रहिताः, केचन प्राणाद रहिताः, वयन्तु आत्म रहिताः, रहितात्मनाम। वृक्षों से कहती हैं, हे वृक्षों तुम बड़े दयालु हो, हम धनहीन नहीं, धनहीन नहीं, जनहीन नहीं, प्राणहीन नहीं, आत्महीन हैं, कितने हम दयनीय हालत में हैं, हम पर कृपा करो और हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर को बता दो, तुमने जरूर देखा है, इसी रास्ते से तो गए होंगे हमारे प्राणनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर, इसी रास्ते से तो गए होंगे, तुम जरूर हम पर कृपा करो। लोग धनहीन पर कृपा करते हैं, लोग सुखहीन पर कृपा करते हैं,
लोग पुत्रहीन पतिहीन पर कृपा करते हैं, फिर प्राण ही नहीं नहीं आत्महीन हम तो हो रही हैं। हमारे तो वही प्राणनाथ आत्मा है, मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्ण चंद्र ही हमारे आत्मा है, उनके बिना तो हम आत्महीन हो रही हैं, इसलिए अत्यंत दयनीय है, इसलिए हम पर कृपा करो हे वृक्षो, तुम हमारे श्याम सुंदर को बता दो। संसंत कृष्ण पद भीम रहितात्मनान, इस तरह से जहां आत्मा में अध्यस्त प्राण के राहित्य में प्राणी की दयनीय दशा हो जाती है, पर आत्महीन हम हैं और इसलिए हम पर कृपा करो मदन मोहन श्याम सुंदर प्रकट हो, आपका दर्शन होना चाहिए। बाकी बात फिर कल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रजनहं त्रिलं विश्वमंगलम् स्वजन हृद्रुजां जन्यशूदनम् त्यजमनाक्षन स्वत्प्रहात्मनाम्। श्री गोपांगना भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र से कहती हैं, भगवान आपके आविर्भाव से आपके प्रादुर्भाव से सभी वनवासियों और ब्रजवासियों का दुख दूर हो गया, उनके ब्रजन का निरसन हो गया और संपूर्ण विश्व में मंगल हुआ। लेकिन हम लोगों का दुख नहीं दूर हुआ, क्योंकि जिसका जो ब्रजन है उसकी निवृत्ति ही उसके लिए मंगलदायिनी है। यद्यपि गोवर्धन उद्धरण से और विविध प्रकार के दैत्यों का दर्प उपशमन करने से सबका ही ब्रजन दूर हुआ, सबका ही मंगल हुआ, उस दृष्टि से हम लोगों का भी ब्रजन दूर हुआ, मंगल प्राप्त हुआ, तथापि उससे विशिष्ट बात यह है कि गोपांगनाओं को आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप में क्षण क्षण सतशत युग के समान प्रतीत होता है, एक एक क्षण सौ सौ युग के तुल्य प्रतीत होता है। तो ये जो वेदना है, अकथनीय वेदना, अकथनीय संताप, इसकी निवृत्ति जब तक नहीं हो तब तक उस ब्रजन का निरसन नहीं कहा जा सकता। इतर लोगों की अपेक्षा यही विशेषता, असल में जब तक प्राणी भगवान के बिना रह सकता है तब तक भगवान भी उसके बिना रह सकते हैं। जब प्राणी की यह हालत हो जाए कि भगवान के बिना रह न सके, भगवान के बिना रह न सके, जैसे मछली जल के बिना रह नहीं सकती, उसका जीवन नहीं, क्षण भर भी नहीं जीवन, जल के बिना मीन का जीवन क्षण भर के लिए नहीं हो सकता, भले जल के बदले दूध मिलो, जल के बदले अमृत मिलो, जल के बदले चीनी का शरबत मिलो, कुछ भी मिलो, जल का अनुरागी मीन जल के बिना, जल से भिन्न कोई भी उत्तमोत्तम वस्तु भी मिले, उसका जीवन नहीं। इस तरह से जिसका भगवान ऐसी प्रिय वस्तु हो गई कि जो भगवान के बिना क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकता, असल में जीव के स्वरूप ऐसे ही हैं। जीव के स्वरूपों का जो विश्लेषण किया है दर्शनों में,
द्वैत में, अद्वैत में, विशिष्टाद्वैत में, शुद्धाद्वैत में, अद्वैत में, सब ऐसा ही है। समझ लीजिए बिंबवाद और प्रतिबिंबवाद, अद्वैतवाद का प्रतिबिंबवाद और बिंबवाद। तो वो प्रतिबिंबवाद और बिंबवाद ऐसा ही है कि बिंब के बिना प्रतिबिंब एक मिनट कहाँ रहेगा, बिंब नहीं है प्रतिबिंब कहाँ रहेगा, बिंब और प्रतिबिंब के बीच में एक झीनी चादर भी डाल दो तो कहाँ प्रतिबिंब रहेगा, प्रतिबिंब का अस्तित्व नहीं। बिंब प्रतिबिंब के बीच में कोई व्यवधान आने पर प्रतिबिंब का अस्तित्व खत्म। इसका मतलब माने प्रतिबिंब जीव है, बिंब भगवान है। बिंब से विश्लिष्ट होकर प्रतिबिंब जीवित नहीं रह सकता, भगवान से विश्लिष्ट होकर जीव जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए कई जगह भगवान का नाम भी जीव दिया और कई जगह जीव का नाम भी विष्णु दिया। अद्वैत सिद्धि में दिया विष्णु विकल्पोज्झितः, वहां विष्णु पद का जीवन, जो जीव सब प्रकार के विकल्पों से रहित होता है वही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। और भागवत में जीव शब्द है, शेष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्टः, वहां जीव का अर्थ है ईश्वर। जीवैतीत जीवः, जीव का जीवन जिससे चलता है उसका नाम जीव, जीव का जीवन जिससे चलता है उसका नाम जीव। तो ठीक प्रसिद्ध है कि जीव का अस्तित्व तभी रहता है जब, क्योंकि जीव की स्थिति गति प्रवृत्ति सब उसके अंतर्जामी के अधीन, अंतर्जामी के अधीन जीव की स्थिति गति प्रवृत्ति। तो अंतर्जामी के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता, न उसकी स्थिति रह सके, न गति रह सके, न प्रवृत्ति रह सके। तो जीव की स्थिति गति प्रवृत्ति सबका प्रयोजक अंतर्जामी, इसलिए जीवस्यापि जीवः। गोस्वामी जी भी कहते जीव के जीव, भगवान जीव के जीव, प्राण प्राण के जीव के जीव, सुख के सुख राम, तुम तज जिनहि सुहात ग्रह तात तिनहि विधि बाम। राघवेंद्र ने वशिष्ठ जी से कहा, कई दिन हो गया यहाँ सब लोग चित्रकूट में, अवधवासी लोग, जनकपुर वासी लोग पड़े हैं, अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, और अब उनको जैसा भी आपका आदेश हो हम भी पालन करेंगे, ये लोग भी सब पालन करेंगे, कुछ आप निर्णय दें। उसके उत्तर में वशिष्ठ महाराज ने कहा, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। हे राम, आप प्राण के प्राण हैं, प्राण के प्राण, प्राण के वियोग में ही प्राणी परेशान हो जाता है, तो प्राण का प्राण आप हैं, आपके वियोग में क्या हालत है। प्राण प्राण के जीव, जीव का ही वियोग होने पर शरीर जो है मुर्दा हो जाता है, पर जीव के जीव, आप तो जीव के भी जीव हैं, जीव के भी जीवन है, जीव को जीवन दान देने वाले आप ही हैं, आपके बिना जीव, जीव का जीवन ही नहीं। तो जहां प्राण के वियोग में प्राणी परेशान हो जाता है, जीव के वियोग में देह मुर्दा हो जाता है, तहां फिर जब आप प्राण के भी प्राण हैं, जीव के जीव हैं, और सुख के सुख, सुख के भी, सुख के बिना प्राणी उद्विग्न हो जाता है, तो आप सुख के सुख, सुख के भी सुख आप ही हैं। इस तरह से एक भगवान का बड़ा दिव्य ऊंचा रूप, जो प्राण का प्राण है, जीव का जीव है, और सुख का सुख है, ऐसा अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठान पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु, और उसके बिना जीव का अस्तित्व नहीं। इस तरह से बिंब से वियुक्त होकर प्रतिबिंब का जैसे अस्तित्व नहीं, ऐसे भगवान से पृथक होकर जीव का अस्तित्व नहीं। ये अनुभव, वास्तविक स्थिति तो है ऐसी, पर अनुभव नहीं होता लोगों को। वास्तविक स्थिति ऐसा होने पर भी जीवों को अनुभव नहीं होता, इसीलिए कई आचार्य बतलाते हैं कि शास्त्रों में जो जीव भगवान के रूप बताए गए हैं उनको प्राणी अनुभव करने लगे तो अवश्य भगवान में प्रेम होगा, हो ही नहीं सकता प्रेम न। वो तो जीव स्वस्वरूप को भूला हुआ है, भगवत स्वरूप को भूला हुआ है, स्वस्वरूप भगवत स्वरूप के संबंध को भूला हुआ है, इसलिए
रूप से वियुक्त होकर संसार में सुखी। लेकिन जिस समय जीव को अपने रूप का पता लग जाए, भगवान के रूप का पता लग जाए, भगवान और अपने संबंध का पूरा पूरा परिज्ञान हो जाए, तो फिर अनिवार्य है भगवत पद पंकज में अनन्य अनुराग होना। इसी तरह से आभासवाद के अनुसार यही बात है। आभास भी मूल सूर्य आदिकों के बिना सूर्य का आभास कहाँ रहता है। अवच्छेदवाद के अनुसार महाकाश भगवान का रूप है, घटाकाश जीव का रूप। महाकाश भगवान का रूप है, घटाकाश जीव का रूप है, तो महाकाश के बिना घटाकाश कहाँ रहता है? कई मिनट महाकाश के बिना घटाकाश रह सकता है? इस रीति से भगवान के बिना जीव कितने क्षण कितने सेकंड रह सकता है, कोई संगति नहीं। श्रीमद रामानुजाचार्य महाराज के अनुसार नीलम उत्पलम नीलता और उत्पल का जो संबंध है, कमल कमल और कमल की नीलिमा, कमल और कमल की रक्तिमा, उसका भी संबंध अभेद्य संबंध है। कमल की नीलिमा कमल से पृथक होकर कहाँ रहती? कमल से पृथक होकर कमल की नीलिमा कहाँ रहती? विशेषण जो विशेष से संबद्ध है, असाधारण रूपेण संबद्ध है, सहज संबंध वाला, एक कृत्रिम संबंध होता है, एक अकृत्रिम संबंध। अकृत्रिम संबंध कमल की नीलिमा का कमल के साथ अकृत्रिम संबंध है, स्वाभाविक संबंध। अब पृथक सिद्धत्व संबंध भी उसको संप्रदाय के आचार्य लोग बोलते हैं। अब पृथक सिद्धत्व माने भगवत सत्ता से पृथक, भगवान से पृथक होकर उसकी सिद्धि नहीं, अब पृथक सिद्धत्व रूप जो संबंध है वो भी इसी ढंग का है कि क्षण भर के लिए भी भगवत वियुक्त होकर जीव टिक नहीं सकता। इसी तरह से निम्बार्कादि मतों के अनुसार भी नीलम उत्पलम आदिकों में, अथवा क्या नाम सुवर्णं कुंडलम आदिकों में, सुवर्णं कुंडलम जहां पर क्या नाम सुवर्ण ही कुंडल है, उन सुवर्ण से भिन्न होकर कुंडल नहीं, या माने सुवर्ण के विज्ञान में कुंडल का विज्ञान होता है, या कहीं सुवर्ण के विज्ञान में भी कुंडल विषयणी जिज्ञासा देखी जाती है। भिन्ना भिन्न बाद भिन्न भी है अभिन्न भी है, माने कुंडल सुवर्ण से भिन्न भी है अभिन्न भी है, भिन्ना भिन्न है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, भिन्ना भिन्न मत, भिन्ना भिन्न। इसमें दो मत है, एक स्वाभाविक भेदाभेद भेद, एक औपाधिक भेदाभेद। भट्ट भास्कर आदिकों का औपाधिक भेदाभेद है, निम्बार्क आदिकों का स्वाभाविक भेदाभेद है। तो इस संबंध में भी वही है कि वो अकाट्य संबंध, जैसे सुवर्ण का कुंडल के साथ संबंध कभी टूट सकता ही नहीं, अटूट संबंध है, कुंडल कभी सुवर्ण से पृथक होकर नहीं रहता, भेदाभेद संबंध में भी अटूट संबंध रहता है कारण के साथ। इसी तरह से क्या नाम शुद्धाद्वैतवाद में भी सर्वथा जीव और परमेश्वर के संबंध ऐसे ही शास्त्रों में निर्धारित है जिनमें की जीव क्षण भर के लिए भी भगवत वियुक्त होकर अपनी सत्ता नहीं रख सकता। उन सब बातों को स्वरूप से देखते हुए ही गोपांगना इस बात को निरूपण करती हैं कि जिन लोगों के और भी कुछ पुरुषार्थ हो सकते हैं, उनके लिए उस पुरुषार्थ की प्राप्ति फल है। जिनके और भी दुनिया में दुख हो सकते हैं, उनके लिए उस दुख की निवृत्ति उनका पुरुषार्थ हो सकता है। पर गोपांगनाओं के लिए तो दुनिया में और कोई दुख नहीं है, दुनिया में और कोई सुख नहीं। भगवत वियोग ही दुनिया में सबसे बड़ा दुख है, और भगवत संयोग ही संसार में सबसे बड़ा सुख है। इसलिए अगर भगवत वियोग की निवृत्ति नहीं हुई तो हमारे ब्रजन की निवृत्ति नहीं हुई, दुनिया के ब्रजन की निवृत्ति हो गई हो, वनवासियों के ब्रजन की निवृत्ति हो गई हो, ब्रजवासियों के ब्रजन की निवृत्ति हो गई हो, उनको मंगल की प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि उनको वो पुरुषार्थ है, तत्त्व दुख की निवृत्ति तत्त्व सुख की प्राप्ति उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ है। लेकिन हमारी दृष्टि में वो तत्त्व दुख की निवृत्ति कोई पुरुषार्थ नहीं, तत्त्व सुख की प्राप्ति कोई पुरुषार्थ नहीं, हमारी दृष्टि में भगवत वियोग निवृत्ति ही दुख निवृत्ति है, भगवत संयोग प्राप्ति ही सबसे बड़ी सुख प्राप्ति है। इसलिए ये दोनों
वस्तु संपन्न नहीं हुई तो हमारी जो वृजन निवृत्ति भी नहीं हुई, हमारी मंगल प्राप्ति भी नहीं हुई, इसलिए प्रभु ये दिया के तले अंधेरा। आपके प्रादुर्भाव से सारे विश्व का मंगल हुआ, सारे विश्व के वृजन की निवृत्ति हुई, लेकिन हम जो आपकी शक्ति स्वरूपा, आपकी परमांतरंगा, आपकी प्रेयसी और हम आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त हैं, हमको आपका दर्शन अति दुर्लभ है, इसलिए हमें भगवत वियोग रूप दुख की निवृत्ति नहीं हुई, भगवत संयोग रूप सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो हमारे लिए कोई पुरुषार्थ आपके प्राकट्य से नहीं प्राप्त हो सका। इसीलिए तो स्प्रहात्मनाम त्वयि त्वय्येव स्प्रहा त्वय्येव आत्मा आत्मानः आत्मा च आत्मा च आत्मा च आत्मानः। तीन आत्मा चार शब्द के अलग अलग अर्थ, आत्मा अंतकरण, आत्मा प्राण, आत्मा शुद्ध आत्मा, सब कुछ आप ही में अर्पित है। ऐसे घटाकाश अपने आप को महाकाश में अर्पित कर रखा है, प्रतिबिंब ने अपने आप को बिंब में अर्पित कर रखा है, जैसे विशेषण ने अपने आप को विशेष में अर्पित कर रखा है। सब सिद्धांतों के अनुसार जीवात्मा सर्वतोभावेन अपने आप को अनंत ब्रह्मांड नायक पराज पर परम ब्रह्म प्रभु के स्वरूप में अर्पित करता है। यही मच्चित्ता मदगत प्राणा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। भगवान में ही संकल्प विकल्पात्मक चित्त अर्पित हो, भगवान में ही प्राण, प्राण का अर्थ वहां खाली प्राण नहीं, सब इंद्रियों का अर्थ, प्राण का अर्थ सब इंद्रिया, क्योंकि वेदों में उपनिषदों में प्राण शब्द से बागादी इंद्रियां गृहित होती, बागादी इंद्रियां भी प्राण शब्द के विपदेश हैं। तो ये सब के सब प्राण बागादी सब आप में ही अर्पित है, और आत्मा अहमर्थ भी आप में ही अर्पित है, आत्मा शुद्ध आत्मा भी आप में ही अर्पित है, और आप में ही स्प्रिया, जिसको जिस वस्तु की स्प्रिया नहीं उसकी प्राप्ति उसकी दृष्टि में कोई पुरुषार्थ नहीं, जिसको जिस वस्तु की स्प्रिया है उसकी प्राप्ति ही उसके लिए पुरुषार्थ। तो हमारे तो स्प्रिया ही आप में, स्वर्ग में स्प्रिया नहीं, मोक्ष में स्प्रिया नहीं, नाना प्रकार के सुखों तत्साधनों में स्प्रिया नहीं, प्रिया ही केवल है आपके मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन, आपके पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन, आपके श्री अंग के अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जल निधि का रसास्वादन, यही मात्र स्प्रिया है और कोई स्प्रिया नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी प्राप्ति बिना और दूसरा कुछ नहीं हमारे लिए पुरुषार्थ है, इसीलिए क्या दें इसके उत्तर में गोपांगना पृथक पृथक कुछ नहीं कहती कि तो स्वजन हृद्रुजाम जन्निसूदनम, स्वजनानाम गोपांगना जनानाम स्वजनाम, ये आपके स्वजन है, वैसे तो सभी आपके जन है, जितने प्राणी हैं सब आपके अंश हैं। मम युवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सब प्राणी भगवान के अंश हैं, कोई प्राणी नहीं, देवता हो दानव हो मानव हो पशु पक्षी हो नगण्य हो और अंगुल्य ग्रगण्य हो कोई हो, सब भगवान के स्वजन ही, भगवान के ही जन, फिर भी स्व असाधारण जन स्वजन गोपांगना आपके असाधारण जन है, हैं सब भगवान के जन, पर जरा उनमें विशेषता है जिन्होंने अपने को वस्तुतः भगवान का जन समझना समझने लगे, जो अपने को भगवान का जन समझते हैं, नहीं तो भगवान का जन होते हुए भी हम कहां भगवान का जन अपने आप को मानते हैं। मोर दास कहाय नर आशा करे तो कहो कहां विश्वासा, भगवान का दास हो और संसार की आशा रखे, संसार की आशा और भगवान का दास दोनों का विरोध है, दोनों बात नहीं बन सकती। तो जिन्होंने सचमुच भगवान का जन अपने आप को मान लिया, एक महात्मा थे बैरागी यहां,
रामदास जी, इस बहुत बहुत पुरानी बात है, ये बाहर जो असी के पार बगीचा था वहाँ रहते थे हम, बड़े अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे थे। तो कहते थे महाराज हम रामचंद्र राघवेंद्र भगवान के पुत्र हैं, कोई तो राजपुत्र होने में गौरव का अनुभव करता है, शहंशाह चक्रवर्ती नरेंद्र के पुत्र हैं भाई, बड़ा गौरव अनुभव किया, कोई भाई ऋषि पुत्र हैं हम, बड़ा गौरव अनुभव किया। तो यदि इन सब बातों का गौरव है तो हम अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान राम के पुत्र हैं, ऐसा अगर हमको गौरव हो तो इस गौरव से बढ़कर दूसरा गौरव क्या हो सकता है। तो फिर उसमें दूसरे उत्कर्ष अपकर्ष की चिंता कहाँ रहेगी, एकदम सर्वाधिक उत्कर्ष मिला उससे छोटे छोटे उत्कर्षों अपकर्षों की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो इस दृष्टि से जिसने अपने आप को भगवान का स्वजन समझ लिया, हम भगवान के स्वजन हैं, भगवान के स्वीय जन हैं, अपने जन हैं, भगवान की निजी असाधारण निज जन भगवान के हैं, तो बड़ा ऊंचा महत्व है, बड़ा ऊंचा गौरव है। तो कहती हैं गोपांगना कि जहां ब्रजौकल, जहां ब्रजवासी और वनवासियों के ब्रजन का नर्शन हुआ, उनको मंगल प्राप्ति हुई, तहां आपके स्वजन, आपके जो स्वजन हैं, असाधारण जन हैं, वे संतप्त रहे, वे उनकी दशा अमांगलिक बनी रहे, ये कहां तक उचित है। स्वजन हृद्रुजाम, इसलिए आपके स्वजनों के जो हृदय का रोग है, अलग अलग क्या कहें, भिन्न भिन्न मांग है, भिन्न भिन्न ढंग की गोपांगना, कोई गोपांगना कांत भाव वाली हैं, वो भगवान के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन भी चाहती हैं, भगवान के पादार बिंद का स्पर्श भी चाहती हैं, भगवान के श्री अंग का स्पर्श भी चाहती हैं, परंतु अपरिगणित गोपांगना इस ढंग की हैं जो केवल राशेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी वृषभानु नंदिनी के संग विराजमान कृष्ण चंद्र परमानंद कन्न मदन मोहन का दर्शन ही चाहती हैं, और कुछ नहीं। उनको कोई अंग संग की स्पृहा नहीं है, उनको स्वतंत्र अकेले कृष्णचंद्र के मुखचंद्र के दर्शन की आकांक्षा भी नहीं, अकेले वो कृष्णचंद्र परमानंद कंद के पादार बिंद की नखमण चंद्रिका के दर्शन के लिए भी लालायित नहीं। उनका तो यही उद्देश्य है कि सम्मिलित गौर तेज श्याम तेज, गौर तेज श्याम तेज सम्मिलित, गौर तेज सम्मिलित श्याम तेज, श्याम तेज सम्मिलित गौर तेज का दर्शन हो, यही भाव। तो भिन्न भिन्न भाव वाली गोपांगना है, अलग अलग निरूपण करने में बड़ी देर हो जाए, बड़ी देर हो जाए, और यहां सबके प्राण प्रवाण करने वाले, आपके भी प्रयोग जन तीव्र ताप में इतने सब संतप्त हैं कि उनके प्राण प्रयाण करने वाले हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करने में अगर सब प्रार्थनीय वस्तुओं का विवरण करने लग जाएंगे तो देर हो जाएगी, इतने में तो सबके प्राण प्रयाण कर जाएंगे, इसलिए संक्षेप में इतना ही समझ लीजिए कि स्वजन हृद्रुजान जन्निषूदनम, आपके स्वजनों के हृदयों के जो रोग हैं, उन रोगों का जो निषूदन है, उन रोगों को जो निवारण करने वाली इलाज है, वैद्य से और कौन अलग अलग बात कहे, हमको फलानी चीज दो, फलानी चीज दे, ढिमाकी दो, हमको चंद्रोदय भी दो, मृगांक भी दो, मालती बसंत भी दो, त्रिफला भी दो, त्रिकुटा भी दो, अलग अलग सब वर्णन करने की अपेक्षा सीधी बात है, जो हमारे रोगों का निषूदन करने वाली दवाई है सो दे दो, अब आप जानो क्या चाहिए। इसलिए स्वजन हृद्रुजाम जन निषूदनम, स्वजनों के हृदय के रोगों का जो निषूदन करने वाला, निर्मूल उन्मूलन करने वाला जो कोई अचिंत्य अद्भुत औषध है, उस औषध का प्रदान करो। अथवा ये भी है कि बहुत से अभीष्ट ऐसे भी हैं जो बहुत रहस्यात्मक हैं, गोप्य हैं, उनका निरूपण स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए स्वजन हृद्रुजांजन निषूदन तत्मनाक कज। अथवा एक बात है कि ये सब कुछ अनेक अनेक प्रकार की अपेक्षा होते हुए भी,
भिन्न भिन्न भावुकों को, भिन्न भिन्न भक्तों को अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं होने पर भी सबका मूल मंत्र अंत में स्पृहा है, आपकी स्पृहा, आपके सम्मिलन की स्पृहा। तो स्पृहा, स्पृहा निवृत्ति हो, इनके मनों में जो हृदयों में स्पृहा है भगवत सम्मिलन की, भगवत संबंध की जो स्पृहा, उस स्पृहा को, स्पृहा रूप रोग को निशोधन करने वाली जो इलाज है, जो औषध है, उसको ही कृपा करके प्रदान करो। दूसरे शब्दों में ये भी है, स्वजन संबोधन, स्वजन हे स्वजन, तो इसमें भी यही लक्ष्य है कि भगवान सर्वसाधारण के अधीश्वर होते हुए भी विभिन्न रूप से भावुकों के ममता के आस्पद होते, और वो भगवत विषयणी ममता बड़े महत्व की होती। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुपति पति हैं, भगवान हमारे पति हैं, हम उनके सेवक। ये अभिमान बड़े गौरव का अभिमान है, दुनिया के अभिमानों को मिट जाना चाहिए, लेकिन इस अभिमान को नहीं मिटना चाहिए, इस अभिमान को बना रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ी तपस्याओं से, बड़ी ध्यान धारणाओं से इस प्रकार के उत्कृष्ट अभिमान बनाए जाते हैं। गीता में भी इनका समर्थन है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत, भगवान हमारे गति हैं, भगवान हमारे भर्ता हैं, भगवान हमारे साक्षी हैं, भगवान हमारे सुहृद हैं, भगवान हमारे शरण हैं। शरण माने आश्रय हैं, शरण माने रक्षक हैं, शरण ग्रह रक्षित्रो हो, शरण का अर्थ ग्रह होता है, शरण का अर्थ रक्षिता होता है। तो भगवान हमारे शरण है, रक्षक है, भगवान हमारे शरण है, ग्रह है माने आश्रय है, इत्यादि इत्यादि संबंध। ये संबंध, असाधारण संबंध भगवान के साथ मन में निर्धारित हो, ये बड़े पुण्य का फल है। तो स्वजन है, इसलिए स्वजनों के दुख में स्वजन को दुखी होना ही पड़ता है, स्वजनों के दुख में स्वजन निष्ठुर नहीं रह सकता। तो आपके स्वजन के हृदय रूपी रोग को निवारण करने के लिए स्वजन आपको जरूर तत्पर होना चाहिए, उदासीनता नहीं धारण करनी चाहिए। अथवा स्वजन का अर्थ स्वीयेषु जनिह उत्पत्तिर जस्य असौ स्वजन, स्वीयेषु जनिह उत्पत्तिर जस्य, स्वीयों में अर्थात ये गोप 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 कुल हमारा स्वीय कुल है, उसमें आपका जन्म हुआ है, गोप कुल में आपका जन्म हुआ है, इस नाते भी गोप कुल में आपका जन्म हुआ है, इस नाते भी हम गोपांगनाओं के हृदय का दुख दूर करना आपका स्वजन होने के कारण भी परम कर्तव्य हो जाता। अथवा स्व आत्मा एव जनः स्वजनः, आप क्या हैं, असल में आप हमारी आत्मा ही हैं, हमारी आत्मा ही आप जन के रूप में प्रकट हैं, दूसरी चीज नहीं है। दुनिया के स्वजन तो जैसे हम जीव हैं तैसे दूसरे जीव भी होते हैं, लेकिन यहां तो स्व असाधारणः आत्मा एव जनः स्वजनः, आप हमारे आत्म स्वरूप ही जन हैं, और वही अघटित घटना पटीयसी मंगलमयी माया शक्ति के योग से पृथक रूप में प्रतिभाषित हो रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कृष्ण मे नमवेहित्वम, कृष्ण मे नमवेहित्वम आत्मानं सकलात्मनां जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा भाति मायया। कृष्ण को सकलात्मनाम आत्मानम अवेहि,
सब प्राणियों का आत्मा है कृष्ण, सब प्राणियों का आत्मा है। इसीलिए आत्मा के ही वियोग में इतना संताप हो सकता है, दूसरे के वियोग में ऐसा संताप नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में भी यही है, नागेश भट्ट ने विवरण करते हुए बतलाया है कि इस प्रकार का असाधारण प्रेम जिस समय रामचंद्र भगवान का वनवास हुआ था, किसी बंध्या को पुत्र हुआ है, बंध्या जो थी आज तक कभी उसको पुत्र नहीं हुआ है, उसको भी पुत्र हुआ है तो उसको पुत्र जन्म का कोई सुख नहीं। राम भगवान के वनगमन काल में राम के वियोग जन तीव्र ताप का संताप इतना फैला हुआ था, किसी बंध्या को ही पुत्र जन्म का कुछ सुख नहीं, किसी विरहिणी प्रोषित भर्तृका को 25 वर्ष में उसका पति बाहर से आया है विदेश से, वो प्रोषित भर्तृका व्रत पालन करती रही है, आज उसका पति इतने दिन में आया है और उसको उस पति के आगमन का कोई सुख नहीं। तो नागोजी भट्ट कहते हैं कि असल में ये बात किसी किसी राजपुत्र के वियोग में इतना संताप नहीं हो सकता, किसी और स्वजन के वियोग में इतना संताप नहीं हो सकता। ये सब बात तभी होती है जब वही प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम वही सिद्धांत माने कि राम प्राण के प्राण है। तो जहां प्राण वियोग हो रहा है फिर वहां पुत्र जन्म का क्या सुख होगा, जहां प्राण वियोग हो रहा है, आत्म वियोग हो रहा है, सुख के सुख का वियोग हो रहा है, वहां पति के आगमन का क्या सुख होगा। और दुनिया के विभिन्न विभिन्न वस्तुओं के लाभ से कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, जहां प्राण का वियोग हो रहा है, प्राण के प्राण का वियोग हो रहा है, सुख के सुख का वियोग हो रहा है, वहां कौन दूसरा सुख सुखी बना सकता है प्राणी को। इसलिए कृष्ण में नमवेहित्वम आत्मानम सकलात्मनाम जगद्धिताय सोपित्र। कृष्ण जो है संपूर्ण आत्माओं के अंतरात्मा है, इसलिए वही सकल आत्माओं के अंतरात्मा परात्पर पर ब्रह्म कृष्ण वही अपनी अचिंत्य अनंत दिव्य मंगलमयी लीला योग से वही देहवान से प्रतीत होते। तो इस दृष्टि से स्वजन असाधारण संबोधन करती हुई, इसीलिए सर्वाधिपति रति विशेष विशेषव्यपदेश कहीं कहीं बड़ा प्रिय होता है। सर्वाधिपति रपि रामचंद्र अयोध्याधिपति गीयते, सर्वाधिपति होते हुए भी रामचंद्र अयोध्याधिपति नाम से व्यवहृत होते, सर्वाधिपति होते हुए भी सीताधिपति नाम से विशेष रूप से व्यवहृत होते हैं। इसी तरह से जो भगवान सर्वेश्वर है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वशक्तिमान है, वो प्रभु भिन्न भिन्न भक्तों के अपने स्वामी के रूप में, अपने स्वजन के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, अपने प्राणनाथ के रूप में, अपने निरतिशय निरुपाधिक पर प्रेमास्पद के रूप में भगवान जहाँ ध्येय ज्ञेय पूज्य आराध्य होते हैं, उसकी महिमा कुछ और ही हो जाती है। तो इस दृष्टि से स्वजन ये विशेषण अरे भाई दुनिया में आप जानते हैं किसी को कहते हैं बड़ा प्यार करते हैं, भाई हम फलाने से इतना प्यार करते हैं कि वो तो हमारी दाई भुजा, अरे फलाने हमारे दाई भुजा, कोई बहुत प्रिय मर गया वो हमारी भुजा दाई भुजा टूट गई, मैंने बड़ा प्रेम दाई भुजा टूट गई, मैंने बड़ा प्रेम बड़े प्रेम का आश्रय। लक्ष्मण के संबंध में बड़े प्यार की बात कहते हुए वाल्मीकि ने लिखा, लक्ष्मण राम के कौन थे, कहने नित्यम प्राणो बहिश्चर, राम के बहिश्चर प्राण ही है लक्ष्मण, लक्ष्मण और कुछ नहीं, राम के प्राण, प्राण तो भीतर है ना, बहिश्चर प्राण, बहिश्चर प्राण, राम के बहिश्चर प्राण ही है लक्ष्मण लाल। तो माने इस तरह से जिसमें
अद्भुत प्रेम, उच्च प्रेम की सूचना देनी होती है, उनमें असाधारण निजी संबंध सूचित किया जाता है। अपने दाई भुजा कहना, अपना अंग कहना, अपना प्राण कहना, बहिष्कर प्राण कहना, इन तरह से स्वजन असाधारण अपने जन है, स्वात्मा एव जन इत्यादि से उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर भगवत स्वरूप के उत्कर्ष की अभिव्यंजना होती। तो इस प्रकार से गोपांगना ममता अभिव्यंजन करती हुई, जो एक अद्भुत भगवत संबंध की ममता, जो बड़ी प्रिय है भक्ति के राज्य में, भक्ति के राज्य में, प्रेम के राज्य में इस ममता का बड़ा महत्व। जितना अधिक भगवान के प्रति हमारा ममत्व हो, वही दुनिया के ममत्व को काटने वाला हो। दुनिया में जो ममत्व लगा हुआ है, असनम में, बसनम में, दारा में, बंधु वर्गो में, इति मैं कुर्बानम, एक पंडित कहते थे, कहता मैं कर्म करता है तो बकरा करता है, मैं असनम में असन मेरा, बसनम में बसन मेरा, दारा में बंधु वर्गो में, कहते इति मैं कुर्बानम, काल ब्रको हंत पुरुषाजम, काल रूपी भेड़िया उस पुरुष रूपी बकरे को मैं करते हुए बकरे को खा जाता, काल रूपी भेड़िया इस जो पुरुष रूपी बकरे को खा जाता, बकरा भी मैं करता है, भी मैं कर रहा हूं, ये मैं इदम में। ये जो लोक की ममता है, इस लोक की ममता को काटने वाली वही है कि जो भगवान में, भगवान मेरा, इसीलिए ऊंची भावना ही भगवान मेरा, ये साधना है, साधना। तस्यैवाहं ममैवासौ सोऽहमित्येव, ये साधना। तो भगवान का मैं हूं, भगवान मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, भगवान का अंश हूं। तो ये भगवत विषयणी ममता, तो भगवान को अपने ममता का आस्पद बनाना और भगवान के ममता का आस्पद स्वयं बनना। गोस्वामी जी ने कहा, एक बार नाथ कहो तुलसीदास मेरो, राम से प्रार्थना करते हैं, राम एक बार कह दो कि तुलसीदास मेरा, बस हो गए, तुलसीदास मेरा है, ये एक बार कह दो।